नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको जठराग्नि संबंधी समस्या हो रही है, खाने पीने का समस्या हो रही है, गैस लोटलेंस वगैरह होता है, तो आपको किस प्रकार उदरास पहनना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस मीडिया संस्थापक बैंगलोर इंडिया से। देखिए, जो आपका खाने पीने का पाकस्थली वगैरह है, ये स्थान आपका है, इसको कहते हैं मणिपुर चक्र भी कहते हैं, जहाँ की सूर्य बृहस्पति का स्थान है। यहाँ यदि खाने पीने की हाजमे नहीं हो रही है, तो पाकस्थली को ठीक करने के लिए आपको पहनना पड़ेगा थ्री मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा, सूर्य का जो होता है। और यदि लीवर संबंधी प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, तो आपको पहनना चाहिए पांच मुखी रुद्राक्ष, तो तीन मुखी और पांच मुखी। लेकिन यदि आपको खाने पीने की समस्या जो पैदा हो रही है, इसका कारण और कुछ है। और कुछ मतलब क्या है कि यदि आपका मेटाबोलिज्म कम है, मेटाबोलिज्म आपका कम है और आप खाना हजम नहीं कर पाते, गैस लोटलेंस होगा, उसके लिए जो उपाय है ये है आपका, साथ में आप जोड़ेंगे उसको छह मुखी और नौ मुखी, छह मुखी मंगल और नौ मुखी राहु, जो कि मूलाधार चक्र में काम करते हैं। अब ये माने कि जैसे वहां कोई अग्नि हो और वहां मणिपुर चक्र में जहां आगे हांडी है, जहां खाना बन रहा है, समझिए आप, तो आग को ज्यादा करने के लिए मंगल राहु छह मुखी नौ मुखी और जठराग्नि का प्रदीप्त करने के लिए हेल्प करने वाला आपको तीन मुखी और लिवर का समस्या है तो पांच मुखी। अगले वीडियो में बात करेंगे कि मोटापे के लिए क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए, मोटापा कम करने के लिए, पतले होने के लिए, यदि आप पतले हैं तो मोटा होने के लिए क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आ गए मुझे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।